सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं आपका दोस्त रुपेश लोधवाल। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और आप चाहते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल का एक प्रोफेशनल लोगो मैं क्रिएट करूं, और गाइस अगर आपको प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करना नहीं आता तो आप सीधी बातें अपनी किसी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से एक से लेकर $20 तक में आपको प्रोफेशनल लोगो मिल जाता है। लेकिन आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आप फ्री में ही एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप टूटा फूटा लोगो खुद से ही बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा ऑडियंस आपके लोगो पर ही डिपेंड रहती है। जब तक आपका लोगो एकदम प्रोफेशनल दिखाई नहीं देता है तब तक लोग भी आपसे जुड़ने में थोड़े हिचकिचाते हैं। तो गाइस इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि आपका लोगो भी प्रोफेशनल होना चाहिए और आपकी वीडियो भी एकदम क्वालिटी वाली होनी चाहिए। तो गाइस आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको एक मिनट से भी कम के समय में एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करना मैं सिखाऊंगा। तो गाइस अगर आपको जानना है कि एक प्रोफेशनल लोगो कैसे क्रिएट करते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलते रहे। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दी है, आप सीधे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब भी आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको अपने फेसबुक अकाउंट या जीमेल अकाउंट से ओपन लॉगिन होना होगा, क्योंकि यहां पर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन नहीं मिलता है। लॉगिन कर देने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और काफी सिंपल सी एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है और लुक काफी क्लासिक सा है। यहाँ पर आप सारी चीजें एक ही बार में क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर इस एप्लीकेशन से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो, यहाँ पर पोस्टर, इन्विटेशन, बिजनेस कार्ड, फोटो, कॉलेज कार्ड, लेबल, यहाँ पर रिज्यूम भी आप क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक का कवर फोटो आप यहाँ से बना सकते हैं, ट्विटर का पोस्ट, यहाँ पर व्हाट्सअप स्टोरी, यहाँ पर जो कुछ चाहिए आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पर जानेंगे कि आप लोगो कैसे क्रिएट करेंगे। आपको सिंपल सा लोगो पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इतने सारे कैटेगरी के लोगो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सियाल पर क्लिक करते हैं, क्योंकि सियाल पर क्लिक करने पर ये जितने भी नीचे यहाँ पर जितने भी कैटेगरी सारे के सारे लोगो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम सियाल पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके सामने ढेर सारे लोगो ओपन हो चुके हैं। बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत ये करना है कि आपको अपने हिसाब से एक प्रोफेशनल लोगो यहाँ पर देखना है, क्योंकि यहाँ पर लाखों में लोगो अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पर आपको लोगों को देखते रहना है, आपको जो भी लोगो पसंद आए आप यहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक अच्छा सा लोगो क्रिएट करना कैसे करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लोगो ये आपको दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही क्लासिक लुक में आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी सिंपल सा और बहुत ही लग्जरी आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप और लोगो देख सकते हैं, जो लोगो आपको पसंद आए आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये लोगो भी काफ़ी मस्त आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पर आपको लोगो मिल जाते हैं जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस लोगो के बारे में एक बात और आपको और बता देना चाहता हूँ कि लोगो आप जितना सिंपल रखेंगे लोगो इतना ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो गाइस काफ़ी सिंपल सा लोगो आप क्रिएट करें, ज़्यादा माथापच्ची करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके यूट्यूब आइकन के लिए, आपके प्रोफाइल के लिए, कहीं पर भी आपको लगाने के लिए ये लोगो बिल्कुल सही है। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद एडिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको एडिट पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका लोगो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर ये नाम चेंज करना था आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम इंटर कर सकते हैं। तो आपको मेरा नाम पता ही है, मेरा नाम रुपेश है, तो सिंपल सा मैं रुपेश यहाँ पर लिख देता हूँ। काफ़ी मस्त लगा, बिना मेहनत के आपका लोगो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपकी जो भी टैगलाइन है यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद डबल टैप करते हैं। डबल टैप करने के बाद यहाँ पर मैं मेरा सरनेम इंटर कर देता हूँ। तो मेरा सरनेम भी आपको पता है कि मेरा सरनेम क्या है, यहाँ पर लोधवाल मेरा सरनेम है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त लग रहा है, छोटा दिख रहा था, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको ना लिखकर पूरा नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार पूरा नाम मेरा लिखकर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रुपेश लोधवाल। तो ऐसा आप देख पा रहे हैं काफ़ी मस्त ऐसा लोगो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और आप इसी तरह से लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब काफ़ी अच्छा लोगो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इस लोगो का कलर चेंज करना है तो आप सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पेन का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपके सामने ढेर सारे कलर यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं और आप इसी तरह से अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम यही कलर रहने देते हैं, राइट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको फॉन्ट चेंज करना था फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद नीचे आप देख पाएंगे
आपको फोन पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके सामने ढेर सारे फोन ओपन हो जाएंगे। आपको जो फोन चाहिए उस पर क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको साइज़ मेंटेन करना है तो यहाँ पर 57 की है। अगर आप इसको बढ़ाना घटाना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। फोन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम ब्लैक ही रहने देते हैं, जो कि ब्लैक काफ़ी मस्त लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और गाइस आप इसी तरह से लोगों को क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का, और काफ़ी क्लासिक और बिल्कुल सिंपल सा लोगो आप क्रिएट करें, इस बात को आप हमेशा याद रखें। और गाइस अगर आपको इस लोगो को सेव करना है तो आप कैसे सेव करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप किसी से भी लोगो को सेव कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद आपका लोगो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है कि आपका लोगो यहाँ पर सेव हो चुका है। और गाइस आप इसी तरह से अपना लोगो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस लोगो को यहाँ से अधूरा छोड़कर जाते हैं तो भी ये लोगो आपको हमेशा सेव ही मिलेगा। आप जितना कुछ कर लें, मतलब आप इस एप्लीकेशन को डिलीट कर दें या फिर से इंस्टॉल कर लें, ये लोगो आपको यहाँ पर सेव दिखाई देगा। आप जब चाहें जब इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलते रहें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।